वेलकम। हमारा सवाल ये है कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है? तो हमने लास्ट चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन विद वन रिग्रेसर में ये देखा कि जी टेस्ट स्कोर को क्लास साइज पे रिग्रेस करने से क्या रिजल्ट्स आते हैं। इस चैप्टर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखने जा रहे हैं, स्लोप कोएफिशिएंट पर्टिकुलरली। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट हमने डिस्कस किया। अब देखना यह है कि क्या क्लास डिबेट क्या है कि क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाएगा, ये एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स जो है वो बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा क्लासरूम्स चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर कहता है कि ये रिजल्ट जो है ऐसे ही है। तो अब आपके पास जो पिछला मॉडल था उसमें बेटा वन इक्वल टू अगर जीरो है तो टैक्स पेयर बात सही कर रहा है, और अगर बेटा वन नेगेटिव है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जी आपको जो है वो क्लास साइज कम करने हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बेटा वन क्या है, तो ये दो तीन बातें पहले हो जाएंगी। देन अगर आपका एक्स जो है वो एक बाइनरी वेरिएबल हो, डमी वेरिएबल हो, अर्निंग जो है वो फंक्शन हो जेंडर का, आपके पास क्लास टेस्ट स्कोर जो है वो सिर्फ फंक्शन है कि क्लास साइज बड़ा है या क्लास साइज छोटा है, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। जो एक अजम्पशन है कि आपका डेटा जो है होमोस्कोडास्टिक होना चाहिए, उसके बहुत सारे टेस्ट हैं, हम उसमें से किसी टेस्ट की बात नहीं करने जा रहे, हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर डेटा में हेट्रोस्कोडास्टिसिटी है तो व्हाट टू डू, और अगर डेटा में होमोस्कोडास्टिसिटी हुई तो भी हमारा वो जो हेट्रोस्कोडास्टिक प्रोसीजर है वो कैसे वर्कआउट कर जाएगा। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि टेस्टिंग ऑफ हेट्रोस्कोडास्टिसिटी टेस्ट क्या हैं, लाइक ब्रॉश पेगन टेस्ट, आइकर वाइक टेस्ट, ग्लेटसर टेस्ट, पार्क टेस्ट, हम किसी टेस्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर का वर्ड कहीं पिछली चैप्टर की स्लाइड में भी मेंशन हुआ था उस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे गॉस मार्कोव थ्योरम कि ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट क्यों है, तो वो उसके गॉस मार्कोव थ्योरम हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना यूजफुल नहीं है, इस पे बात होगी। और गॉस मार्कोव थ्योरम है क्या, उसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। राइट, तो पहले आप अगर एक बड़ी पिक्चर देखें तो हमने हमारे पास स्लोप के बारे में हमने बात करनी है, पॉपुलेशन स्लोप के बारे में बात करनी है। अब हमें पता है कि पॉपुलेशन हमें नोन नहीं है, एंड सेकेंडली देर इज अ पॉपुलेशन एंड देर इज अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट या पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा जिस पॉपुलेशन से, जिस टारगेट पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हैं। अगर मैं लाहौर दिल्ली की पॉपुलेशन से सैंपल ले रहा हूं तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर दिल्ली पॉपुलेशन मेरी जो है वो पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मुझे सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन लेनी है तो वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन है। फिर जाके दरमियान अब कहीं जो है वो आप 5-7-10 लेक्चर्स बाद देखेंगे कि अगर वो रिजल्ट्स दूसरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड हों तो हम कहते हैं एक्सटर्नली वैलिड हैं, अगर सिर्फ उसी पॉपुलेशन के लिए हों तो हम कहते हैं इंटरनली वैलिड हैं, सिर्फ लीव इट असाइड। दूसरी कि हमने वो उसका स्लोप कोएफिशिएंट ले लिया, अब डेटा हमारे पास पॉपुलेशन का होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, वी वर्क विद सैंपल डेटा। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बात की, पिछले लेक्चर में भी बात की कि जी सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये है कि सम की डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास लार्ज सैंपल अगर होगा तो आपके पास जो है वो
स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगी, यानी कि आपने एक सैंपल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो अगर इनका साइज 50 50 50 लेते जाएंगे तो ये रीजनेबल सैंपल साइज है, तो वो जो एक्स वन बार फर्स्ट सैंपल से एक्स टू बार, एक्स थ्री बार, तो वो एक्स बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी। दिस इज आवर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। चौथी चीज जो हम बात करेंगे कि जी आपके पास चौथी जो चीज है इसमें वो स्टैंडर्ड एरर है जिस पे बात हो चुकी है। तो आप देखिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस इज आवर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल। बीटा वन हम कहते हैं इक्वल टू जीरो, बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो, इस पे बात होने जा रही है। आपके पास जो ओ एल एस एस्टिमेटर जो सैंपल की बेस पे आ रहा है वो बीटा वन हैट आ रहा है, विच इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर। चार एजम्पशंस, तीन एजम्पशंस हमने ली कि जी आपके पास ओ एल एस एस्टिमेटर जो है वो ओ एल एस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स और वाई आई आई डी हैं, और यू हैव फाइनाइट फोर्थ मोमेंट्स। तो फाइनाइट फोर्थ मोमेंट्स ना हो तो हमें पता है क्या होता है, आपके पास आउटलायर्स आती हैं। तो ये हमने बात पिछले चैप्टर में कर दी कि बीटा वन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन बीटा वन वेरियंस दिस वन वेर वी आई इज इक्वल टू यू आई। अब अगर यू आई का वेरियंस कॉन्स्टेंट होगा तो होमोस्कडास्टिसिटी होगी, वील डिस्कस। अब आप देखिए, तो हमारा नल हाइपोथेसिस है बीटा वन इक्वल टू जीरो, अल्टरनेटिव है बीटा वन इज लेस देन जीरो इन दिस केस। तो ये आप समझे, ये जीरो है। अब अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड होगा तो क्रिटिकल वैल्यूज आपकी जो है वो टू साइडेड होंगी। तो ये आपको जो है वो वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, इसका ताल्लुक है कि नल हाइपोथेसिस आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन साइडेड है या टू साइडेड है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि क्लास साइज बढ़ाने से टेस्ट स्कोर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो है। और अल्टरनेटिव ये है कि क्लास साइज बढ़ाने से टेस्ट स्कोर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये अल्टरनेटिव है। तो बेसिकली अल्टरनेटिव आपको खुद से थोड़ा सा सोच के बनाना है। अब देखिए, ये बहुत स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये आपकी सैंपल की ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, वो सैंपल मीन हो सकता है, वो स्लोप कोएफिशिएंट हो सकता है। ये आपकी पैरामीटराइज्ड हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं बीटा वन इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गई और ये आपके पास बीटा वन हैट हो गया डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। तो हमेशा स्टैटिस्टिकल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमेशा ये होगी कि सैंपल ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर यूज किया जाता है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स में बनाने के लिए। वेरियंस पे बात हो चुकी, वेरियंस ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर दिस वन। तो अब आपके पास जो है, और इसका अगर स्क्वायर रूट ले लोगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इस बिट नॉस्टी वाइट्स बिट नॉस्टी। तो ये एक तो पहली बात तो यह है कि ये बहुत सिंपल सी फॉर्म में हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ये एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है। तो ये पिछले वाली स्लाइड से देख लीजिएगा या पिछले वाले चैप्टर से। तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्यों है, ये हम बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड जो है वो आपको हमेशा सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होगा, लेकिन एक्सेल की सॉफ्टवेयर से रोबस्ट वाला कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए बी केयरफुल, आपको ये याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके देखिए, तो नल हाइपोथेसिस हमने कहा अल्टरनेटिव लेस देन हम बात कर रहे हैं, अगर टू साइडेड हुआ तो हम कहते हैं कि टी अगर ग्रेटर देन 1.96 हो जाए या लेस देन 1.96 हो, अगर लोअर टेल होगा तो फिर आपके पास सिर्फ जो है वो हमें इस साइड पे अगर क्रिटिकल वैल्यू इधर फॉल करेगी तो हम जो है वो कहेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। पी वैल्यू क्या है, इस पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। पी वैल्यू अगर लेस देन 5% होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लीज़, ये टाइप वन एरर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस नहीं है।
तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट सेम नहीं होती, जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है उस पर भी वीडियो है, प्लीज़ उसको ब्राउज कर लीजिएगा। इस वक्त हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर सैम्पल साइज़ जो है वो 50 है, कुछ लोग कहते हैं 30 है, तो आपकी जो बीटा वन हैट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होती है बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो टेस्ट स्कोर, हम आ जाते हैं अपनी असल बात पे कि जी आपने एस्टिमेट किया, इसके साथ इसके स्टैंडर्ड एरर्स जो कैलकुलेट होके आ गए वो आपको मिल गए -4.38। जो क्रिटिकल वैल्यू आपको टू साइडेड इस केस में यूज़ ही नहीं होनी, इस केस में वन साइडेड यूज़ होनी है, लेकिन अगर टू साइडेड भी होता तो आपके पास जो है -4.38 जो है ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, -2.258 से लेस है। इवन ये 1% पे भी रिजेक्ट हो जाता है और पी वैल्यू भी इसकी बहुत कम है, तो हम ये कहेंगे कि जी ये देखिए आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आएगी। इसको रिपोर्ट करने का आपको रिसर्च पेपर्स में या कहीं पे, तो वो आप कहते हैं लेस देन ज़ीरो, या आप कह दें 0.0001 से लेस है, तो ये एक स्टैंडर्ड वे है रादर देन इसको इंजीनियरिंग नोटेशन। ये जो नोटेशंस हैं 1.1 × e⁻⁴, तो ये इंजीनियरिंग नोटेशंस हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है कि आपके पास बीटा वन हैट ±1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। अब इसको समझ लीजिए पहले। वैसे तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं यहाँ बहुत सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 ऐसे सैंपल्स लेते, ये हमारा एक सैंपल की बेस पे -2.28 आया है, अगर हम इस तरह के 100 सैंपल्स लेते 420 420 420 स्कूल्स के, तो उसमें से 95 सैंपल्स में हमारा जो रिजल्ट है वो इसके दरमियान आता। अभी ये इसके दरमियान आने का क्या मतलब है, अभी हम देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो बीटा वन हैट की वैल्यू है वो तकरीबन इसके दरमियान, वो ट्रू सॉरी वो इसको जो है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करेगी, वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करेगी, और 5% ऑफ द सैंपल्स में ये बात सही नहीं होगी। ये चीज़ नहीं है कि देर इज 95% प्रोबेबिलिटी कि ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इसके दरमियान लाई करता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 सैंपल्स लें तो 95 सैंपल्स में जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू होगी वो इस इंटरवल के दरमियान आएगी, या 95 सैंपल्स जो है आउट ऑफ 100 जो है वो हमारे ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करेंगे। तो इट डज नॉट इंक्लूड जीरो। अच्छा, अब नल हाइपोथेसिस, एक तो हमने पी वैल्यू से रिजेक्ट किया, दूसरी देखिए इस इंटरवल में जीरो कवर नहीं हो रहा, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस था बीटा वन इक्वल टू जीरो वो रिजेक्ट हो गया। तो ये दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो ये आपके पास टेस्ट स्कोर हैट, आपके पास ये रिजल्ट आ गया R².05 18.5। तो ये आपके पास जो है एक इंफॉर्मेशन आ गई इसके बारे में, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन बीटा नॉट और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन दैट इज स्प्रेड अराउंड रिग्रेशन लाइन आर साइज ऑफ रेजिजुअल R².05 एडजस्टेड R² पे अगले चैप्टर में जाके बातें होंगी। तो ये आप देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे हमने रोबस्ट की अभी बात नहीं कर रहे, आई विल टॉक इट ऑन रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर लेटर ऑन। तो ये स्टेटा ने आपको आउटपुट दे दी, मैंने आर कोड भी आपको दिए हुए हैं, मैं इसको जिमोवी में भी आपको शो करूंगा। ओ एल एस एस्टिमेटर्स, बीटा नॉट बीटा वन हैट ये आपके पास आ गए, टेस्टिंग आ गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। तो दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, सो फार सो गुड। अगला हमारी जो चीज़ है वो है कि अगर आपके पास एक्स जो है वो बाइनरी हो, एक्स जो है वो डमी वेरिएबल हो, तो आपने जब हमने स्कैटर प्लॉट की तो आपको पता है क्लास साइज कहीं 14-15 से स्टार्ट होके तो अप टू 25 इसके करीब जा रहे थे। तो अब अगर हम स्टूडेंट टीचर रेशियो को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि जी एक है कि जी लेस देन 20, तो क्लास साइज इज स्मॉल
और ग्रेटर देन 20, क्लास साइज इज लार्ज, तो हमने एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को बाइनरी बना दिया, स्मॉल क्लास साइज वर्सेस लार्ज क्लास साइज, या जैसे जेंडर है मेल फीमेल, तो ये आपके पास बाइनरी वेरिएबल्स हो जाते हैं। या मुझे जो है वो वैक्सीनेशन ट्रायल में उन्होंने पानी लगा दिया, प्लेसिबो लगा दी और आपको मेडिसिन लगा दी, तो जिनको प्लेसिबो लगी वो जो है ज़ीरो और जिनको वैक्सीनेशन लगी उनको वन, तो ये आपके पास जो है बाइनरी वेरिएबल्स हैं कि आप, तो ऐसे केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स वेरिएबल कॉन्टिन्यूस ही है, लेकिन आपका जो रिग्रेसर है जो राइट हैंड साइड वेरिएबल है जो एक्स वेरिएबल है वो बाइनरी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि वो जो आपके पास जो है रिग्रेशन इज वी से दैट वी आर हैविंग रिग्रेशन विद एक्स एज बाइनरी वेरिएबल। तो आप देखिए तो बेटा वन एक्स, तो एक्स की दो ही वैल्यूज होंगी या जीरो या वन। तो अब अगर क्लास साइज स्मॉल होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, बेटा वन विल बी योर एवरेज स्कोर। अगर क्लास साइज बड़ा होगा तो ये वन हो जाएगा, तो ये बेटा वन आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ जाएंगे, एक आ जाएगा बेटा नॉट प्लस बेटा वन और दूसरा आ जाएगा बेटा नॉट। तो डिफरेंस बिटवीन के स्मॉल क्लास साइज एंड लार्ज क्लास साइज क्या होगा, तो अगर एक्स यहाँ पे जीरो होता तो यहाँ पे सिर्फ बेटा नॉट होता, तो बेटा वन विल बी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल क्लास साइज एंड लार्ज क्लास साइज। सेम थ्योरी कि जी पॉपुलेशन डिफरेंस है लेकिन पॉपुलेशन पे डेटा नहीं होता, तो वी वर्क विद सैंपल। तो आप देखिए तो ये आपके पास क्लास साइज स्मॉल है, क्लास साइज लार्ज है, तो स्मॉल क्लास साइज तो इसका मतलब है डी जब वन होगा तो ऑन एवरेज टेस्ट स्कोर 7.5 ज़्यादा होगा, और अगर डी जीरो होगा तो जो है वो 650 होगा। अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम ये वन और ज़ीरो रिवर्स कर दें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ज़ीरो और वन रिवर्स कर दोगे तो ये जो वैल्यू है ये -7.14 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर क्लास साइज लार्ज है तो टेस्ट स्कोर जो है वो लेस देन वो 7.4 यूनिट लेस होगा और ये 657 हो जाएगा, कि अगर डी ज़ीरो है तो टेस्ट स्कोर फॉर स्मॉल क्लास साइज 657 बन जाएगा। अब इसी चीज़ को ये हमने रिग्रेशन के थ्रू देखा, इसी चीज़ को हम अगर सिंपल अपने डेटा में स्मॉल और लार्ज में डिवाइड कर लें तो जो सैंपल मीन आएगा वो ये वाला आ जाएगा, और अगर आप टी स्टैट्स यूज़ करें तो वो ये रिज़ल्ट यही वाले आ जाएंगे और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा कि स्मॉल और लार्ज क्लास साइज का टेस्ट स्कोर इक्वल है। तो अगर दो वेरिएबल्स हों तो आपकी जो रूटीन में जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस फॉर टू सैंपल मीन्स है, टू सैंपल प्रपोर्शंस है, वो बहुत यूज़फुल है। रिग्रेशन कब ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, जब आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं। तो ये हम चाहे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सिंपल इन्फ्रेंस कर लें, चाहे हम रिग्रेशन कर लें, रिजल्ट हमारे सेम रहते हैं। ओके फाइन, तो ये हमने बात कर ली कि एक्स ज़ीरो होगा तो बेटा नॉट होगा, एक्स वन होगा तो बेटा नॉट प्लस बेटा वन होगा, डिफरेंस जो है वो बेटा वन होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बेटा की यूजुअल इंटरप्रिटेशन है, टी स्टैटिस्टिक्स कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑल एवरीथिंग एज यूजुअल। तो बस अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में हम उतना नहीं पढ़ेंगे और हम बहुत रेलेवेंट और टू दी पॉइंट बात पढ़ने जा रहे हैं, हेट्रोस्कडास्टिसिटी एंड होमोस्कडास्टिसिटी। होमोस्कडास्टिसिटी मींस आइडेंटिकल पॉपुलेशन, सारे लोग एक जैसे हैं, हमारी क्लास में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स हैं या हमारी क्लास में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो होमोस्कडास्टिसिटी होगी जेंडर वाइज। अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं रहती तो क्या होता है, अगर टेस्ट स्कोर्स जो है क्लास साइज बढ़ने से उनकी स्प्रेड ज़्यादा या कम हो जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन जनरल स्टैंडर्ड एरर ऑफ बेटा जो है वो इफेक्ट होते हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड एरर की इम्प्लीकेशंस हैं, अनबायसनेस पे कुछ नहीं होता। तो हमने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स, वेरियंस ऑफ यू गिवन एक्स इज कॉन्स्टेंट। व्हाट डज दिस मीन कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये है कि देखिए यू वन से लेके आपने यू 420 तक रेजिजुअल्स कैलकुलेट किए थे, अब अगर इसमें से कोई से मैं कहीं पे भी जो है वो इसको डिवीजन कर लूं कि पहले 40 अगले 380 या पहले 100 अगले 320,
इसका वेरिएंस लूँ और इसका वेरिएंस लूँ और इनकी रेशियो लूँ और वो इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि जी ये जो है वो गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट से, जीक्यू टेस्ट से वेरिएंस जो है वो होमोस्कडास्टिक हैं, और अगर ये नहीं है तो हम कहेंगे ये हेट्रोस्कडास्टिक हैं। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो वो मैंने जैसे कहा कि मुझे टेस्टिंग ऑफ हेट्रोस्कडास्टिसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हेट्रोस्कडास्टिसिटी को डील कैसे करते हैं ये बात समझने की कोशिश करनी है। तो ये जैसे इस केस में भी आप करते हैं कि अगर सैंपल वेरिएंस इक्वल होंगे तो हम पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो हम जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इक्वल मींस होमो, अनइक्वल मींस हेट्रोस्कडास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखिए तो सारे वेरियंसेस क्लास साइज चेंज होने से भी मोर और लेस वही रह रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो एंड वेरियंस ऑफ यू डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। बट इन दिस केस यू सी स्प्रेड हेयर इज मोर, हेयर लेस, हेयर लेस। सो यहाँ पे क्लास साइज मीन तो जीरो है, ये अजम्पशन वेरीफाई हो रही है, लेकिन वेरियंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेटा हेट्रोस्कडास्टिक है। तो डेटा हेट्रोस्कडास्टिसिटी को डील कैसे करते हैं ये बात बताना मेरा इस पे मेरा मेन फोकस होगा। अब ये देखिए ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड एवरेज आवरली अर्निंग्स, तो इन जनरल आप देखेंगे कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी अर्निंग में स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उनकी अर्निंग में स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब जो जो आपके ईयर्स ऑफ एजुकेशन बढ़ते जाएंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एवरेज बात करूँ, तो वहाँ पे स्प्रेड इन देयर अर्निंग इज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये एक बड़ी सिंपल बात है, आप देखते हैं कि एक बंदे ने 16 साल की बिजनेस ग्रेजुएट किया हुआ है और वो किसी बहुत ज़बरदस्त कंपनी में जो है वो CEO तक पहुंच गया, तो उसकी अर्निंग इतनी ह्यूज हो जाती है, और वो 16 साल की एजुकेशन के साथ बाज़ लोग बहुत एक वो थोड़ी सी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये तो इसका मतलब ये है कि डेटा हेट्रोस्कडास्टिसिटी हो जाता है जब आपके पास जो है ईयर्स ऑफ एजुकेशन चेंज होते हैं, तो आपकी अर्निंग की स्प्रेड जो है वो बढ़ जाती है, तो इट मींस डेटा आर हेट्रोस्कडास्टिक। हेट्रोस्कडास्टिसिटी को बार बार मैं कह रहा हूं मुझे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे डील करना है आई विल टॉक अबाउट दैट। तो ये क्लास साइज है, ये टेस्ट स्कोर है, ये टेस्ट स्कोर है, ये क्लास साइज है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, ये आपके पास रिग्रेशन फिट हुई है, होमोस्कडास्टिक है या हेट्रोस्कडास्टिक है, लेट्स मूव। तो ये तीन अजम्पशंस हमने कर ली थी पिछले, लार्ज आउटलायर्स आर रेयर। आज हम चौथी अजम्पशन एक ऐड करने जा रहे हैं, और ये भी हमने कर लिया, यहाँ पे पावर 4 है, ये भी हमने देख लिया वेरियंस ऑफ बेटा 1 हैट। तो अब आप देखिए, तो अगर ये यू आई का वेरियंस कांस्टेंट नहीं हो, रेजिजुअल्स का वेरियंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, बेटा 1 हैट का वेरियंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उससे क्या होगा आपके स्टैंडर्ड एरर्स पे फर्क पड़ेगा, उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो टी स्टैटिस्टिक्स वगैरह को जैसे जनरल हम स्टैंडर्ड फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर है, तो ये इसका वेरिएंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपके फार्मूलाज जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो वैलिड नहीं है। तो इसलिए एक्सेल में अगर आप रिग्रेशन रन कर रहे हैं और डेटा में हेट्रोस्कडास्टिसिटी है, तो आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो जो करेक्शन है वो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड एरर से ही नहीं होंगे। अगर तो होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो ये फार्मूला काम कर जाएगा, अगर डेटा हेट्रोस्कडास्टिक हुआ तो आपको जो चीज़ स्टेटा में, ईवीयूज में, एसपीएसएस में, आर में, तो वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ होती है, हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स, तो आप इसको यूज़ करेंगे, विच आर कॉल्ड रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। मैं आपको एम्पिरिकली भी डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा। अब देखिए कि आपके पास मैं इस वक्त एक इंतहाई प्रैक्टिकल चीज बताने जा रहा हूं। जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं जब भी अपने मॉडल्स को एस्टिमेट करूंगा, तो मैं यूज करने जा रहा हूं हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर फार्मूला या रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। हेट्रोस्कडास्टिसिटी से होना क्या था, मेरे स्टैंडर्ड एरर्स पे फर्क पड़ना था, तो मैंने क्या किया कि हेट्रोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर करेक्टेड फार्मूला यूज कर लिया। उससे क्या होगा,
अगर डेटा में होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी, और अगर डेटा में हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो मेरे वो जो स्टैंडर्ड एरर्स जो के थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन फ्लॉड आ रही थी वो कैलकुलेशन सही हो जाएगी। तो आज के बाद हम बस एक ही चीज़ यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ हेट्रोस्कडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स या हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स। अब अगर क्योंकि असल में चेंज यहाँ पे आनी है, कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे आप रोबस्ट यूज़ करें या नहीं करें, आपने करके देख लेना है। तो अब अगर आपके पास डेटा होमोस्कडास्टिक हुआ तो ये रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे होमोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर से आते हैं। अगर डेटा में हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई, रेजिजुअल्स का वेरियंस कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें ये जो रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्ड एरर्स सही होके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सेफ बेट क्या हो गई, ऑलवेज यूज रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। कतन जरूरत नहीं है कि आप हेट्रोस्कडास्टिसिटी को टेस्ट करते रहें। हाँ, लोग आपसे इंटरव्यू वाइवे में पूछते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा जो चीज़ों को रटा लगाना है, मेमोराइज करना है, वो कर लीजिए। अदरवाइज देर इज़ नो नीड कि आप जो है वो हेट्रोस्कडास्टिसिटी के टेस्ट में जाते रहें। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर होमोस्कडास्टिक हैं या हेट्रोस्कडास्टिक हैं तो हेट्रोस्कडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं आपने। तो अगर हेट्रोस्कडास्टिक हुए एरर्स तो क्या होगा कि आपकी वो करेक्शन टेक प्लेस हो जाएगी, और अगर आपके पास होमोस्कडास्टिक हुए तो वो करेक्शन होगी नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं। तो जो है वो अगर होमोस्कडास्टिसिटी हुई तो दोनों फार्मूलाज मोर और लेस सेम होंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज यूज हेट्रोस्कडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। हम इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते। ओके फाइन, तो ये हमने एक न्यू एजम्पशन ऐड कर दी है। वो एजम्पशन क्या है कि यू आई इज होमोस्कडास्टिक। पहली तीन एजम्पशंस हमने स्टडी कर ली थी, और यू आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो वो जो आप कहते हैं कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि जी ये इस इंटरवल के दरमियान है, तो ये बातें सही नहीं है। अच्छा जी, अब आखिरी बात हम जो इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं एंड दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये भी जैसे हेट्रोस्कडास्टिसिटी के टेस्ट हैं, इसी तरह से गॉस मार्कोव थ्योरम भी हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं होती। कैसे, हमने अभी ये कहा चार अजम्पशंस जो हमने स्टडी की कि जी ये आपके पास और होमोस्कडास्टिक हो, तो पहली बात तो यह है कि होमोस्कडास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरी हमने कहा कि वाई जो है वो बेटा वन जो है वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, बहुत केसेस में बेटा वन नॉन लीनियर होता है, तो आपके पास इन दैट केस गॉस मार्कोव थ्योरम नहीं यूज होगा। हेट्रोस्कडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो इन दैट केस गॉस मार्कोव थ्योरम नहीं यूज होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास डेटा में होमोस्कडास्टिसिटी हो, OLS एस्टिमेटर लीनियर हो, तो आपके पास जितने अदर एस्टिमेटर्स हैं उनसे OLS एस्टिमेटर का वेरियंस जो है वो कम आएगा। तो गॉस मार्कोव थ्योरम के प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है, तो हम उसके प्रूफ में नहीं जा रहे। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर ये पांच की पांच अजम्पशंस वेरीफाई करें तो बेटा वन का जो वेरियंस है वो स्मॉलेस्ट होता है अमंग ऑल लीनियर अनबायस्ड भी हो। तो अब अगर कोई फंक्शन लीनियर नहीं हो तो गॉस मार्कोव यूज़ नहीं हो सकता, अगर कोई फंक्शन अनबायस नहीं हो तो नहीं हो सकता, अगर किसी एस्टिमेटर अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए गॉस मार्कोव थ्योरम हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उसकी यूटिलिटी इज़ नहीं है। तो गॉस मार्कोव थ्योरम इज़ नॉट रियली दैट कंपेलिंग, क्योंकि उसमें जो एजम्पशंस हैं वो बहुत रिजिड किस्म की हैं, तो बहुत सारे एस्टिमेटर्स हैं जो कि बायस्ड होते हैं बट उनका वेरियंस कम होता है। सोशल साइंसेस में, इकोनॉमिक्स में, इनमें बहुत सारा डेटा जो है होमोस्कडास्टिक नहीं होता, तो इन दैट केस गॉस मार्कोव थ्योरम नहीं यूज़ होगा। अभी जैसे हमने अर्निंग डेटा देखा तो आप
का इसका मतलब है गॉस मार्कोव थ्योरम कि वहाँ पे यूटिलिटी नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने देखना है कि ये ठीक है किताबों में गिवन है बट सो ऑफ वेरी लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो लिमिटेशंस ऑफ ओएलएस में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि आउटलायर होगी तो ओएलएस इज नॉट अ गुड आइडिया, देन वी यूज लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड या मिन मैक्स मेथड, तो उस पे हम किसी और टाइम पे बात करेंगे। तो ये हमारी जो है वो मेन अजम्पशंस हैं जिस पे हमने अभी तक बात की है। तो ये सारी वो चीज़ जो है दोबारा से लिखी हुई है, यू कैन लुक इन टू इट। अगर आपके पास सैंपल साइज लार्ज होगा, अब लार्ज की डेफिनेशन जो है वो बाज़ लोग 30 कहते हैं, बाज़ लोग 50 कहते हैं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल हो जाता है जिससे बेटा वन हैट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। तो बेसिकली आप देखिए तो हमारा पॉलिसी क्वेश्चन ये क्या है कि क्या क्लास साइज स्टूडेंट टीचर रेशियो कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाएगा, ये पॉलिसी क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स हम इसलिए लर्न कर रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए ये टूल्स लर्न करने की कोशिश करेंगे और हमें ताकि इनकी इन प्रैक्टिस जो है इन टूल्स की लर्निंग भी आ जाए और उनकी एप्लीकेशन भी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इससे अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी, चूँकि हमारे टेस्ट स्कोर पे बहुत सारे अदर वेरिएबल्स का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हमें देखना है कि इन दैट केस अगर हम उसमें एडिशनल वेरिएबल्स हमें डालने हैं या नहीं डालने, इंक्लूड करने या नॉन इंक्लूड करने के क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे एस्टिमेट करनी चाहिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर की कितनी यूटिलिटी है, आर स्क्वायर क्या चीज़ है, तो इस पर हम बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।